जंगल के इस कोने में पेड़ पौधे बहुत कम होते जा रहे हैं, क्यों ना हम ही कुछ पेड़ यहाँ बो दें? कुछ चटपट खाने का मन कर रहा है। छोले भटूरे, चाट पकौड़ी, साथ खट्टा मीठा पानी और चटनी। सुना तो मैंने भी बहुत है गोलगप्पे के बारे में, पर कभी चखी नहीं। वैसे तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। नाग भी कभी बोलते हैं। इच्छाधारी नाग बोलते हैं। इच्छाधारी मतलब? इच्छाधारी मतलब हम अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते हैं। हाथी का सर तो है पर शरीर शेर का। ओ, मैं अभी छोटा हूँ ना, अभी अपना जादू सीख ही रहा हूँ, इसीलिए कभी कभी गलती हो जाती है। तुम मन ही मन कुछ इच्छा करो और मैं उसे पूरी करने की कोशिश करता हूँ। वो बाला, देखो उस गोलगप्पे में से दो बाल उगे हुए हैं। हाँ, वही अपना राजू है। देखो बस ये वाला गोलगप्पा छोड़ दो। ए, क्यों छोड़ दूँ? मुझे वही वाला गोलगप्पा डाल। पर वार कुछ नहीं। राजू को गोल गप्पे से वापस राजू बनाओ। गलत हो गया फिर से। फिर गलत हो गया। पूरा ध्यान लगाकर करता हूँ। मास्टर जी अभी तक नहीं आए, पर उन्हें तो कभी देर नहीं होती। अगर आज मास्टर जी नहीं आए तो हम सब खेलने जा सकते हैं। या तो तुम हमेशा खेलने के बारे में सोचते हो या खाने के, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि का तो जवाब ही नहीं। ए राजू चुप कर, वरना। सब बच्चे अपनी अपनी किताब निकालो और तुम दोनों बाहर जाकर लड़ाई करो। पर आप कौन हैं? मेरा नाम है कमल गुल जी, और क्योंकि आपके मास्टर जी एक हफ्ते की छुट्टी पर गए हैं, इसलिए जब तक वो वापस नहीं आ जाते उनकी जगह मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं क्लास में कुछ बता रहा हूँ तो कोई भी बात नहीं करेगा, क्लास में कोई लड़ाई नहीं करेगा, जो भी होमवर्क नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी, मेरे सामने कोई बहाना नहीं चलेगा। कोई सवाल?
बहुत अच्छे, तो आज का पाठ शुरू करते हैं। अरे बाप रे, ये मास्टर जी तो बहुत सख्त हैं। छोटी से छोटी गलती की भी कोई ना कोई सजा है उनके पास। और हर चीज के लिए नियम। पर मेरी माँ कहती है कि ये सारे नियम हमारी भलाई के लिए ही बनाए जाते हैं। बताओ, मुर्गा बनने से किसका भला होता है? हाँ, खासकर जब हाथी को मुर्गा बनाया जाए तो उसे भलाई नहीं, नाइंसाफी कहते हैं। ऐसी नाइंसाफी नहीं चलेगी। और इतना सारा होमवर्क कौन करेगा? और नहीं किया तो फिर सजा। अरे, पर एक हफ्ते की ही तो बात है, तब तक हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने नए मास्टर जी से क्या क्या सीख सकते हैं। सह सकता। कालिया, तुम तो किसी से नहीं डरते और मास्टर जी से डर गए। स्कूल चलो कालिया, अगर तुम कोई गलती नहीं करोगी तो मास्टर जी तुम्हें सजा क्यों देंगे? यही तो परेशानी है चुटकी, आज भी मैंने होमवर्क नहीं किया। कोई बात नहीं, मास्टर जी को सच बता देना, फिर मास्टर जी तुम्हें सजा नहीं देंगे। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो चलता हूँ, पर मुझे तो अभी भी। अब चलो भी उस्ताद, वरना फिर से देर हो जाएगी।